मैडम आपने बुलाया क्या? हाँ अंदर आइए जी। ये क्या है जी? चाय है ये? चाय तो मुझे भी दिख रही है, पर चाय ऐसे बनती है? इतना पानी डाल दिया आपने, इतना गंदा लग रहा है इसका टेस्ट। अंकल आपको इतने साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते करते, आप आज तक चाय बनाना नहीं सीखे हो? मैडम मेरे हाथ की बनी हुई चाय तो आप हमेशा पसंद करती हैं, और बाकी का स्टाफ भी मेरे हाथ की चाय की तारीफ करता है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैडम मेरा मतलब ये नहीं है। अंकल मुझे लगता है अब आपकी ना उम्र हो गई है, आप सही से काम नहीं कर पाते हो, तो कल से ना आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे आराम करिए। मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? हो सकता है चाय में मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई हो, इतनी सी बात के लिए जॉब से मत निकालिए। अंकल बात सिर्फ चाय की नहीं है, ओवरऑल आपकी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप टाइम से नाश्ता नहीं बनाते, चाय नहीं बनाते, फोन नहीं उठाते हो, सुनते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूं? मैडम ऐसा कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। सागर बेटा तुम ऐसा कह रहे हो मेरे बारे में? क्यों ना कहूँ अंकल, आपके होते हुए भी हमें चाय पीने के लिए टपरी पे जाना पड़ता है, ना सुबह नाश्ता मिलता है ना कुछ। आधे से ज़्यादा टाइम तो आप कॉल पर बिता देते हैं, 10 बार तो आपको आवाज़ मारनी पड़ती है, एक बार में तो आपको सुनाई नहीं देता, और मुझे नहीं लगता कि आपकी यहाँ पे ज़रूरत है। एक मिनट, आज मैं आपको चाय बना के दिखाती हूँ कि चाय बनती कैसे है, आप वेट करो यहीं पे। बेटा आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो तुम्हारा हमेशा अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा, और आज तुम सब मेरे बारे में। ये चाय पी के देखिए। अरे देख क्या रहे हैं, ले लीजिए ना। बहुत अच्छी है मैम। अच्छी तो बनी ही होगी मैंने जो बनाई है, पर आपकी चाय से अच्छी नहीं बनी होगी। आप जैसी चाय तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्या मतलब मैम? हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। ये सब क्या है बेटा? ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपके लिए। आपको क्या लगा आप हमें बताएंगे नहीं कि आपका बर्थडे है तो हमें पता नहीं चल पाएगा? जो इंसान इतने सालों से हमारे चाय नाश्ते खाने पीने का ध्यान रख रहा है, तो वो भी तो डिजर्व करता है ना कि एक दिन वो भी किसी और के हाथ की चाय पिए। और नहीं तो क्या अंकल, आपके होते हुए ना हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलने से पहले ना टेबल पर चीज़ हाजिर हो जाती है। और आपको पता है एक बार को हम नाश्ता करना भूल सकते हैं, लेकिन आप हमें नाश्ता करवाना नहीं भूलते। जब भी हमें काम का स्ट्रेस होता है, आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब देखिए ना, आप इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, पर हम तो आपसे ये पूछना ही भूल गए कि आप कभी समय पर चाय पीते हैं कि नहीं। आप हमारा जितना ध्यान रखते हैं ना, उसके लिए थैंक यू तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ यादगार करें, तो हमने थोड़ी सी मस्ती करते हुए आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस ऑफिस में आप जैसी मैडम हो, जहाँ इतना प्यार करने वाला स्टाफ हो, वहाँ तो प्यून भी राजा की तरह जीता। आप हमें अपनी बर्थडे पार्टी में बढ़िया सी कड़क अदरक वाली चाय पिला देना बस। जी जी मैडम, अभी बनाता हूँ। और अंकल आप अपना गिफ्ट तो लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमेशा खुश रहो।